बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब आपको यहाँ महाराष्ट्र में ले आते हैं, जहाँ एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुंबई में सीबीआई अपने दफ्तर में उनसे पूछताछ कर रही है। समीर वानखेड़े पर आर्यन केस में रिश्वत मांगने का आरोप है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज एक बार फिर सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। इससे पहले शनिवार को समीर वानखेड़े से सीबीआई अधिकारियों ने 5 घंटे पूछताछ की थी। सीबीआई ने पूछताछ कोर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती और घूस मांगने के मामले में की। दरअसल समीर वानखेड़े पर क्रूज से ड्रग्स पकड़ने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाने का काम किया और छोड़ने के लिए घूस मांगी गई। अब उन्हीं आरोपों के आधार पर शनिवार को वानखेड़े को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण मामले में दाखिल आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ 11 मई को एफआईआर दर्ज की थी।